ले लेते हैं, जब आप किसी का कपड़ा पहचानने लगते हैं, आपको पता है ना? नहीं, आपको नहीं पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? वैसे क्रोनोलॉजी में तो 1948 पहले आया था और 26 जनवरी 1950 बाद में आया था। आपको बताता हूं, मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है। प्रतिष्ठता और अवसर की समता, ये फर्ज हमने निभाया क्या रवीश? नहीं, हम इस फर्ज को पूरा नहीं कर पाए और अलग अलग दौर में अलग अलग लोग इसकी कोशिशें करते रहे हैं, मगर हम सबको समान अवसर देने में फेल रहे हैं। अभिव्यक्ति की जो स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं कि क्या हालत हो गई है, और शिक्षा, भाईचारा, जो भी हमने प्रियम्बल में लिखा है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी हासिल नहीं किया, हमने हासिल किया है, पर हम उस यात्रा की आधी मंजिल तक भी नहीं पहुंचे हैं जहां मैं पहुंचकर खड़ा होकर ये कहना था कि हाँ, हम इतना हासिल कर चुके हैं और आगे भी कर लेंगे। देखिए, आज बहुत ही खूबसूरत दिन है, ये महीना है कि जहां पर बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वरना तो हमें स्कूल से लेकर कॉलेज में संविधान की किताबें ही नहीं दिखाई गई थी। बहुत से लोग पूरी जिंदगी जी गए और उन्होंने संविधान की किताब छू कर नहीं देखी थी। आज प्रस्तावना उनके हाथों में है और जबान पर है। मैं इससे भी खुश नहीं हूं, मैं तब और खुश हूंगा कि जब वो उस प्रस्तावना को पढ़ने के बाद जीने लगेंगे अपनी जिंदगी में, जब वो उनके लिए सिर्फ पढ़ने की एक औपचारिकता नहीं रह जाएगी, एक कार्यक्रम नहीं रह जाएगा, विरोध प्रदर्शनों के अलावा भी उस पर चलेंगे। क्यों ये जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि बहुत अंतर विरोध कॉन्ट्राडिक्शंस हमारे देश में हैं, बहुत तरह की इमोरलिटी हमारे फाउंडेशन पर बनी पड़ी है कि हम कोई रास्ता ईमानदारी का नहीं ले पाते हैं, बहुत तरह की पहचान हमें एक हिंदुस्तानी पहचान होने से रोकती है। और अक्सर हुआ यह है कि हमने इस सवाल को, नागरिक बनने के सवाल को कभी गंभीरता से नहीं लिया। अच्छा बेटा बना लेते थे, अच्छी बेटी बना लेते थे, कभी देश के लिए अच्छा नागरिक नहीं बनाते थे। तो आप जब दहेज ले लेते हैं, जब आप किसी का कपड़ा पहचानने लगते हैं, आपको पता है ना? नहीं, आपको नहीं पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? कपड़े से पहचान रहे थे। आप याद कीजिए कि हिंदी सिनेमा ने कितना डराया था, कोई सेठ किसी हीरो के खराब कपड़े में झांक देता था तो कितनी बात चुपती थी उसकी। कपड़े से पहचानने की बात उन्होंने कह दी। इतने बड़े पद पर बैठा आदमी इतनी छोटी बात कहेगा? ये वही कह सकता था जिसके दिमाग में हर समय हिंदू मुस्लिम चल रहा होता है, वही ये हल्की बात कह सकता था। सोचता रहा कि हिंदुस्तान की जनता, जिस गांधी ने कपड़े उतार दिए अपने, जो वो सूट पहनकर आए थे, अंग्रेज उन्हें कपड़े से ही तो पहचान रहे थे ना, तो गांधी ने कहा लो मैं सूट ही उतार देता हूं, कुछ नहीं पहनूंगा, लंगोट में चल देता हूं, पहचानो गांधी को कपड़े से, पहचानो। वो लाठियां लेकर हजारों लाखों लोगों के बीच में चलता हुआ आज भी चला आ रहा है, पहचानो उस महात्मा गांधी को। आज 26 जनवरी है, 4 दिन बाद उनकी हत्या होने वाली है, पता है ना? 5 साल से उनका नाम लेकर रोज उस बिना कपड़े वाले फकीर की हत्या हो रही थी। वैसे क्रोनोलॉजी में तो 1948 पहले आया था और 26 जनवरी 1950 बाद में आया था। आपको बताता हूं, मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है। वो क्रोनोस एक ग्रीक गॉड है टाइम का, जो बच्चों को खा जाता है, उससे निकला है क्रोनोलॉजी, हमारे एक अंग्रेजी के दोस्त ने बताया है। तो इसलिए क्रोनोलॉजी समझ लेना, ये टाइम का ऑर्डर नहीं है, ये आपके पागल हो जाने का ऐलान है कि अब आपको गोदी मीडिया के जरिए आपके दिमाग में वो जहर भर दिया गया है
कि अब सिर्फ आपको कपड़ा देखना है और भीड़ बनके किसी को मार देना है।